ये कहानी मीरा की है जो अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती है। बिचारी की जिंदगी दुख से भर गई जब उसकी सगी माँ गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ उसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, घर का सारा काम करा के लेती थी। मीरा का दुख और बढ़ गया जब उसके पिताजी भी गुजर गए, बेचारी अकेली रह गई। मीरा, बाजार से सामान लाने में इतना वक्त क्यों लगा? कहीं घूमने तो नहीं गई? अभी तक खाना नहीं बनाया, जल्दी जाके खाना बनाओ कामचोर लड़की। मैं तुरंत खाना बनाती हूँ माँ। पता नहीं कब खाना बनाएगी, मनहूस कही की। मीरा सौतेली माँ के सभी ताने सहती थी और बहुत दुखी होती। घर पूरा गंदा पड़ा है, अभी तक सफाई नहीं की। अरे ओह महारानी, घर अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? बस अभी कर देती हूँ। पूरा घर साफ कर देना, नहीं तो ऐसे ही रख के सो जाओगी। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। माँ बाबा, आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। हे भगवान, मुझे अपने माँ बाबा के पास रहना है। इस मीरा को तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। हे भगवान, अब इस लड़की ने क्या कर दिया? ये आग कैसे लग गई? आरी ओ मीरा कहाँ मर गई? यहाँ आग लगा के हम सबको मार डालना चाहती है क्या? ये आग कैसे लग गई मनहूस? इसे बुझाकर बाहर आ जाओ। ये आग कैसे लग गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तुम्हारी वजह से घर को आग लग जाती। क्या हमें मार डालना चाहती है? कमबख्त, निकल जा इस घर से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं कि घर जाऊं? अरे ये बेचारी कौन है? उठो बेटी उठो। तुम कौन हो बेटी और यहाँ बेहोश कैसे गिरी? अरे रो मत बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा नाम मीरा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। माँ बाबा गुजर गए, सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मेरा नाम रानी है, तुम मुझे रानी माँ बुला सकती हो। तुम मेरे साथ आ जाओ, चलो आओ मेरे साथ। मेरा घर जंगल के बाद आएगा, बस एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी आए पीछे मुड़कर मत देखना। रानी माँ, ये आवाजें कैसी? मीरा, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ, बस तुम पीछे मुड़कर मत देखना और डरना नहीं, बस चलती रहो मेरे साथ। ये रहा मेरा घर, आओ मेरे साथ। बेटियां हैं मेरी सोने की मोहरे, तुम्हें चाहे जितनी ले लो। नहीं नहीं रानी माँ, मुझे मोहरे नहीं चाहिए। तुम बहुत सच्ची और निस्वार्थी हो बेटी,
और इसलिए मैं तुम्हें हीरे की जादुई अंगूठी देती हूँ। ये अंगूठी ले लो। अगर तुम मुझे अपनी माँ जैसे समझती हो तो मना मत करो। अच्छा रानी माँ, मैं इसे रखती हूँ। तुम सोच रही हो कि मैं कौन हूँ, मगर तुम्हें मैं ये नहीं बता सकती बेटी। अब सबसे जरूरी बात, हम जिस रास्ते से आए वो जगह भूत पिशाच से भरी है। अब तुम्हें उसी रास्ते से वापस जाना है जहाँ से तुम आई हो। बस मेरी बात ध्यान से सुन लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारे पीछे डरावनी आवाजें और भूत पिशाच आएंगी, बस तुम पीछे मुड़कर मत देखना और बस चलते रहना। अच्छा रानी माँ, मैं चलती हूँ। ये अंगूठी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे हमेशा अपने पास रखना। जैसे ही तुम अपनी जगह पहुँच जाओगी, अंगूठी को प्यार से देख लेना। ये लो, जाओ मीरा, और पीछे मुड़कर मत देखना। मीरा निकल पड़ी उस डरावने जंगल के सफर पर। अंगूठी देखते ही उस जगह मीरा को एक खूबसूरत घर मिल गया और वो खुशी से झूम उठी। मीरा एक मेहनती लड़की थी, उसने मेहनत से फलों की बाग बनाने की सोची। उसने बिना अंगूठी को देखे काम शुरू किया। वह अपने पिताजी की तरह फलों की बाग बनाना चाहती थी। उसने काम शुरू ही कर दिया था कि अचानक रानी माँ की कृपा से वहाँ एक फलों का बगीचा तैयार हो गया। मीरा आश्चर्य से फलों से भरे बगीचे को देखने लगी। मीरा समझ गई कि ये सब रानी माँ की कृपा है और वो खुशी से झूम उठी। मीरा मेहनत और लगन से काम करती थी, उसकी इसी मेहनत ने उसे बहुत अमीर बना दिया। उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों उसकी संपत्ति और कामयाबी से जलने लगे। इस मनहूस के पास फलों की बाग कहाँ से आ गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी था, मगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। देखा उसका नतीजा। रानी माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। जरा देखो तो इसका घर, महारानी कैसे आलीशान घर में राज कर रही है। इसके घर को ही जला देते हैं। आज तो बड़ा मजा आ गया। मीरा के घर पर लगाई हुई आग ने सौतेली माँ के घर को जलाकर उन्हें सबक सिखा दिया। दोनों मीरा से दूर चली गई और कभी मीरा को दुख नहीं दिया। रानी माँ, अब मैं आपसे मिलने और आपको लेने आ रही हूँ। आपकी बहुत याद आ रही है।
मीरा ने पीछे मुड़कर देखा और वह घोड़े से गिर गई। संभलते संभलते वह रानी माँ के घर तक पहुँच गई तो देख के हैरान रह गई और बहुत रोने लगी, क्योंकि वह ना तो रानी माँ थी ना रानी माँ का घर। मेरा बेटी रोना नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने जंगल से आते पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए अब मैं इसी अदृश्य रूप में रहूंगी। माँ आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये घर ये जंगल सब मायावी है। मैंने तंत्र विद्या सीखी और मेरे पास धन की कमी नहीं, मगर मेरी कोई संतान नहीं। तुम्हें देखा और मेरा हृदय ममता से भर गया। मेरी जादुई अंगूठी तुम्हें देकर मैंने अपनी विद्या का नेक काम किया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी मीरा, मगर इस अंगूठी के जरिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम घर लौट जाओ, अब ये जंगल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, खुशी से जाओ मीरा। मीरा को भूत पिशाच ने परेशान नहीं किया, ना ही कोई डरावनी आवाजें आई। मीरा रानी माँ की बात मानकर घर वापस लौट आई और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी।